जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एंज फाउंडर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अपनी फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को एडिट कर सकते हैं और वो भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने कंप्यूटर के थ्रू ये सारी एडिटिंग सिखाई थी, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। बट बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि किस तरह से हम लोग फोटो सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फ़ोटो से देखेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है। आप इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पर सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो, एंड देन उसके वजह से थंब इम्प्रेशन का जो डायमेंशन है उसके थ्रू हम सारी एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो से, देन उसके बाद से सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को एडिट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी एडिटिंग सीखेंगे, जिसमें किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल सके। तो सबसे पहले हम लोग फोटो से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह की अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपने मोबाइल में ले लेनी होगी। अगर आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की अपने कैमरे के थ्रू ही उसकी फ़ोटो को ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ही नहीं तो आप अपना जो इस तरह का, जो इस तरह से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचाते हैं, आप उस तरह कहीं बैठ के ही अपनी इस तरह की फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपके जो कपड़े हैं वो साफ़ होने चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन होना चाहिए, और जहाँ तक है सफ़ेद बैकग्राउंड होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और आप कोई गॉगल ना लगाए हो, कोई कैप ना लगाए हो, आप सीधे देख रहे हो, कोई सेल्फी ना हो, तो आपकी फ़ोटो भी आपकी चल जाती है। बस बाद में इसकी हार्ड कॉपी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, वो बाद में भी निकल जाती है। बट ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप इस तरह की फ़ोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की फ़ोटो खींच लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, आपको बाहर जाना है, और बाहर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है PicsArt। PicsArt डाउनलोड करके कुछ इस तरह से खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा, और उसके बाद जब नीचे प्लस बटन का साइन एक बना है, देन उसको आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर देखिए जो भी आपने फ़ोटो खींचा हुआ है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपने फ़ोटो खींचा है उसको आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे एड्स आते हैं तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आप एडिट करना है आपको, तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो गोल्ड का, दूसरा ऑप्शन है टूल्स का, एंड तीसरा जो ऑप्शन है वो है इफ़ेक्ट का। अगर आपके फ़ोटो की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या सैचुरेशन कम है तो आप अपने इफ़ेक्ट के जाके अपना जो भी जहाँ पर आप जिससे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर राइट की तरफ, तो यहाँ पे सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है वो कलर्स का ऑप्शन है। इसको चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसको स्क्रॉल करिए, और तीसरा जो तीन ऑप्शन है लास्ट के, देखिए सबसे पहले सैचुरेशन है, फिर ब्राइटनेस है, फिर कंट्रास्ट है। तो सैचुरेशन पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर क्लिक करके आप इसको सैचुरेशन को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सैचुरेशन को एडजस्ट करके यहाँ पर आप ऊपर जो है टिक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको ब्राइटनेस भी बढ़ाना है देन उसके बाद फिर से अगेन आप यहाँ पे क्लिक करके अपने ब्राइटनेस को जो है वो आप सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो अपनी ब्राइटनेस को जो है वो आप इस तरह से सेट करके वापस से जो ऊपर साइन है उसको आप साइन कर दें। एंड उसके बाद से अगर आपको क्रॉपिंग करनी है, जैसे कि साइड से जो है वो आपके फ़ोटो ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है टूल्स का, इस पर जाके जो सबसे पहला ऑप्शन है क्रॉप का, इसको आप चूज़ करें, एंड उसके बाद से आप इस फ़ोटो को जो है वो अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। फ़िलहाल जो ऑनलाइन फॉर्म में जो मांगा जाता है वो 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का होता है, आप 3:4 का भी जो है वो ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो इसी फ्रेम में ले आएगा। बस आपको अपने फ़ोटो को जो है वो इस तरह से एडजस्ट करके आपको इसको साइन करना होगा। तो यहाँ पर ये फ़ोटो जो है वो आपकी एडिट हो जाती है, एंड देन आपको फाइनलाइज़ करना है, और फाइनलाइज़ करने के लिए जो ऊपर एरो दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, इसको आप क्लिक करेंगे, एंड फिर से ऐड आता है तो आप इसको बंद कर दें, एंड यहाँ पे आप इस फ़ोटो को जो है वो सेव कर लें। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव का, शेयर का, तो आप सेव पे क्लिक करें, एंड कहाँ सेव करना है गैलरी में, गैलरी चूज़ करें, देन डन कर दें, तो आपकी फ़ोटो जो है वो सेव हो चुकी है। देन जो थर्ड स्टेप है, अब आपको जाना है गूगल क्रोम पे, तो गूगल क्रोम का ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाएं, ओके, आई एम रिसाइजर जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, जिसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और यहाँ पे जब आप इसको खोलते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे क्लिक हेयर टू अपलोड और ड्रॉप फाइल, तो यहाँ पर क्लिक करिए, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो भी फ़ोटो बनाए हुए हैं PicsArt से, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे आप इसको चूज़ करके ऊपर जो डन का ऑप्शन है आप इसको डन करें।
एंड उसके बाद से देखिए सारी सेटिंग के लिए आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन है DPI सेटिंग का। तो बहुत सारे जो फॉर्म्स में वो 200 DPI मांगता है, तो यहाँ पे आप 200 DPI का जो है वो सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और कहीं कहीं DPI नहीं भी मांगता है, तो आप इसको सेटिंग कर दें 100 या 200 पे कर दें तो अच्छा रहेगा। देन उसके बाद से सेंटीमीटर, पिक्सल, mm, इंच, तो इस तरह का आपको जो है रिसाइज यूनिट आई है। तो आपको जिस भी फॉर्म में आपको सेट करना है, जैसे पिक्सल में सेट करना है तो पिक्सल में, या फिर सेंटीमीटर में सेट करना है सेंटीमीटर में। तो हम लोग डायमेंशन अपनी देख लेते हैं कि ज़्यादातर फॉर्म में कौन कौन से डायमेंशन मांगी जाती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा था फ़ोटो का जो डायमेंशन था वो अगर पिक्सल में देखें तो 200x230 पिक्सल था, और सेंटीमीटर 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर था। तो हम पिक्सल में भी कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में कर सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और ज़्यादा कम अगर पिक्सल मांग रहा है तो आप उस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वापस आपको वहीं जाना है और मैं सेंटीमीटर का चुनाव करता हूँ, और यहाँ पे आपको विड्थ जो है वो आपकी 3.5 करते हैं, 3.5। और ध्यान रखिएगा जो कीप एक्सेप्ट रेशियो है वो अनटिकी रहे, उसको टिक नहीं करना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो है वो फाइल को जो है वो सेट करता है। और नीचे का जो ऑप्शन है वो 4.5 पहले से चूज़ है, अगर नहीं है तो आप इसको जो है वापस से इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड देन आप अप्लाई करें यहाँ पे, एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे रोटेट और क्रॉप का आ रहा है, और इस तरह की आपकी फ़ोटो आएगी, ओके। और नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन है, जो कि JPG फॉर्मेट में, जो कि सही है। आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे तीन फॉर्मेट्स होते हैं, JPG, JPEG, PNG या फिर अदर, ओके। तो आपके दो ऑप्शन होते हैं, JPG या JPEG, इन्हीं दो में आपका जो है फाइल साइज होते हैं वो होनी चाहिए। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फाइल साइज़ है उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ 50 KB जो है मैक्सिमम फाइल साइज़ है। आप देखिए फ़ोटो की फाइल साइज़ क्या मांगी जाती है, वो 20 से 50 मांगी जाती है, जो कि यहाँ पे सही है। बट अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं तो इसको आप और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये अगर 50 KB में ही सेट हो जाती है तो भी अच्छी बात है, बट अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे 30 या फिर 39 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप करके इसको अप्लाई कर दें। एंड जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे सारा फॉर्मेट जो है फिर से बन के आ जाएगा, फॉर्मेट JPG, DPI 200, और विथ जो होगी वो 3.5 सेंटीमीटर, हाइट जो होगी 4.5 सेंटीमीटर, और साइज़ जो है देखिए 32.53 KB होता है। तो ये ऑटोमेटिक कंपाइल करता है, तो इसमें आपकी जो फाइल है वो एकदम तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो जाती है। और फिर इसको आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड का जो सबसे पहला ऑप्शन है, आप यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक करें, और यहाँ पर आपकी जो फाइल है देखिए नीचे डाउनलोड के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर दें तो आपकी फाइल है वो जो है डाउनलोड हो चुकी है। एंड जो फोर्थ स्टेप है जो अब करना क्या है आपको, क्योंकि ये जो फाइल है वो जो है मे भी अपलोड नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका जो नेम है वो अलग है। तो आपको अपनी फाइल के लिए इसको आपके फाइल मैनेजर में जाना होगा। देन उसके बाद से आपको डाउनलोड, जहाँ पे आपने किया हुआ है आपको डाउनलोड पे जाना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो फ़ोटो है वो आ चुकी है, तो आपको इसको रीनेम करना होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए .com करके इस तरह का है, तो मे भी ये जो है एक्सेप्ट ना करे फॉर्म, तो आपको इसको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, और पूरा हटा के मैं इस पर कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे फ़ोटो। फ़ोटो देने के बाद आप इसको रीनेम कर दें, ओके। ये ऑलरेडी अगर कहीं है तो आप इसको दूसरा ऑप्शन दे दें, फ़ोटो वन, सिंपली ये चीज़ फ़ोटो वन हो जाती है, ओके। तो आप इसको गैलरी में भी देख सकते हैं। तो अब ये जो फ़ोटो है वो आपकी सेट हो चुकी है, आप इसको अपलोड करके देखिए, डेफिनेटली ये फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगी, ओके। तो जो भी सेटिंग है किसी भी फॉर्म में, बैंक, SSC, गेट और UPPSC, UPPC, कोई भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको ये सेटिंग करनी है तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ओके। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है फ़ोटो वन, साइज़ में देखिए दिखा रहा है, और रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो यानी कि आपकी फ़ोटो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं सिग्नेचर की, एंड सिग्नेचर को भी एडिट करने का सेम ही प्रोसीजर है, बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात है कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो वाइट पेपर पे ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से होना चाहिए। आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ओके। अपना जैसे कि पूरा नाम आपने कैपिटल में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और उसके बाद से जो आपका डायमेंशन है
वो सिग्नेचर के जो डायमेंशन मैंने आपको बताया है कि 140 से 60 पिक्सल के बीच या फिर 3.5 × 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 3.5 विड्थ एंड 1.5 हाइट, और साइज़ जो होना चाहिए वो 10 से 20 केबी की होना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग हम लोग करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने फ़ोटो की सेटिंग की थी। और सबसे पहले आपको वही करना है, आपको पिक्सआर्ट में जाना है। पिक्सआर्ट में जाने के बाद अपनी सिग्नेचर को जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद से देखिए अगर आपके पास बॉर्डर है या फिर कुछ भी कम ज़्यादा है तो आप अपनी बॉर्डर को इसको देखिए बढ़ा सकते हैं। आप इसको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दीजिए टूल को और यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको वाइट बॉर्डर को बनाना है। तो यहाँ पे आउटर को कम करेंगे, इनर को जो है वो बढ़ा देंगे, तो देखिए बॉर्डर जो है वो आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आप इसको कर दें, देन उसके बाद से आप इसको क्रॉप करें। क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पर, आप इसको 16:9 का भी जो है वो रेशियो रख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना होगा एंड वापस से आपको एंड इस तरह का आप यहाँ पे इसको वापस से सेव कर लें गैलरी में एंड यहाँ पे डन करें। यहाँ पे ये चीज़ सेव हो चुकी है। देन वापस से आपको क्या करना है, उसी वेबसाइट पे जाना होगा क्रोम में और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आप इसको क्लिक टू अपलोड ड्रॉप फाइल एंड यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का दूसरा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो देखिए आ जाता है अपने आप एंड यहाँ पर डन करेंगे। डन करने के बाद उसी तरह की सारी सेटिंग आपको यहाँ पे 200 dpi कन्वर्ट कर देना होगा। नीचे जाएंगे, पिक्सल सेंटीमीटर mm इंच, आप सेंटीमीटर चूज़ करें और यहाँ पे विड्थ रखें आप 3.5, हाइट रखें 1.5 एंड यहाँ पे वापस से अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद ये देखिए आपकी फोटो सिग्नेचर जो है वो एडिट हो चुकी है। आपको रोटेट एंड क्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पहले से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नीचे आप देख लें फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे PNG था, मैं इसको जो है JPG में कन्वर्ट कर दूँगा। और जो फाइल साइज़ आपकी थी वो 10 से 20 KB के बीच थी, तो इसको मैं 15 के करीब रखता हूँ एंड वापस से अप्लाई कर देता हूँ। एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखिए सारी सेटिंग हो चुकी है, फॉर्मेट JPG DPI 200, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 सेंटीमीटर, साइज़ जो है वो 12.4 KB, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी सेटिंग सही है। अब आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे वापस से इसको आप डाउनलोड पे जाके वो एडिट कर सकते हैं इसका नाम को। एंड अब बारी आती है थंब इम्प्रेशन की, तो थंब इम्प्रेशन के लिए सबसे पहले आपका जो लेफ़्ट थंब होता है, ज़्यादातर फॉर्म में लेफ़्ट थंब का ही इस्तेमाल होता है, तो लेफ़्ट थंब को आपको इंक पैड पे एक बार प्रेस करना होगा। देन प्रेस करने के बाद एक वाइट पेपर पे इस तरह से इम्प्रेस कर देना होगा और ध्यान रखिएगा कि आपका जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो एक ही बार में होना चाहिए, आप बार बार उस पर जो है वो उसको सही ना करिएगा। अगर एक बार आपने कर दिया अगर वो नहीं ठीक है, देन दोबारा अगर आप जब करेंगे तो दूसरी जगह करिएगा, उसी जगह पे ना करिएगा, क्योंकि एक ही बार में थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, दो बार करेंगे तो वो सारी जो लाइंस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो एक ही बार में आप इसको अप्लाई करिएगा। इसको करने के बाद आप इसकी भी फ़ोटो खींच लीजिए। इस तरह से आपने फ़ोटो खींच लिया, जैसे मानिए आपने इसको खींच लिया, अब आपको इसको क्या करना है, क्रॉप करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं, इसी कोई ज़रूरत नहीं है पिक्सआर्ट में जाने की। अगर नहीं हो रहा है तब आप पिक्सआर्ट पे जा सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थंब का जो इम्प्रेशन का है वो है 200 dpi डायमेंशन है, 240 × 240 पिक्सल, यानी कि 3 × 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है प्रेस द थंब ओनली वन टाइम, तो यहाँ पे खाली एक बार आपको दबाना है। तो यानी कि 3×3 यानी कि एक स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर की सेटिंग अगर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रॉपिंग का आप स्क्वायर के रूप में ऐसे करके आप अपने फ़ोटो को या फिर इस तरह के थंब को इस तरह से आगे पीछे करके इस तरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो ब्लू या फिर ब्लैक होना चाहिए, एकदम डार्क होना चाहिए। और DPI यानी कि डॉट पर इंच इसीलिए आपकी 200 मांगी जाती है, क्योंकि 200 DPI में आपकी सेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे आप ऊपर से सेव करें, तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ सेट हो चुकी है। अब आपको वापस से पिक्सल्स या फिर सेंटीमीटर को सेट करना है, तो वापस से आप वहीं पे जाइए क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद देखिए सिग्नेचर का हुआ था तो मैं बैक करता हूँ। तो यहाँ पे वापस से आ गए, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड एंड ड्रॉप फाइल, और यहाँ पे थंब का देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको चूज़ करके यहाँ पे इसको डन करें। एंड डन करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको 200 dpi करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉर्म में चाहे आप बैंक ले लें, बैंक में जो है वो थंब इम्प्रेशन मांगता है, तो यहाँ पे इसको 200 dpi कर दें। एंड नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे साइज़ को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब यहाँ पे पिक्सल में, यानी कि चलिए अब यहाँ पे हम लोग पिक्सल में सेटिंग करके देखते हैं।
तो पिक्सल में करते हैं तो कितना था, 240 × 240 240 × 240। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पिक्सल से करें चाहे आप सेंटीमीटर से करें। और यहाँ पे आप अप्लाई कर दें, एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपका जो सेटिंग है वो हो चुकी है। आप फॉर्मेट देख सकते हैं, JPG है, DPI 200 है, विड्थ है 240, हाइट भी इतनी है, साइज़ जो है 37.47। तो इसकी भी सेटिंग हो चुकी है, एंड अब आपको इसको भी जो है वो डाउनलोड कर लेना होगा। एंड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे फिर से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पे ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर पे जाना है। मैं आपको लास्ट बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आया है, आप इसको जो है रीनेम करेंगे, रीनेम करना होगा इसको, रीनेम करेंगे। अब यहाँ पे थंब का ऐसे लिख दीजिए। ओके, हम रीनेम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो इसमें डबल डॉट होता है या फिर डॉट कॉम करके आता है तो वो चीज़ जो होता है वो फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोगों को रीनेम करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे आप इसको रीनेम कर देंगे तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिग्नेचर को भी जो रीनेम कर देता हूँ साइन करके, यहाँ पे आप इसको भी रीनेम कर दीजिए। आप जो है थंब, सिग्नेचर और जो है फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपकी सेटिंग हो चुकी है, बस आपको अपने फॉर्म में जो है इसको एडिट कर अप्लाई कर देना होगा और डेफिनेटली ये चीज़ अपलोड हो जाएगी। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कंप्यूटर के थ्रू भी बताया हुआ है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके थ्रू भी आप फ़ोटो सिग्नेचर को बहुत ही आसान तरीके से एडिट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका समय भी बचाएगा और जो भी प्रॉब्लम होती है फ़ोटो सिग्नेचर को एडिट करने में, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप बिना कंप्यूटर के भी अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट में भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की मैं लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे और भी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।